A very good morning to all my dear students. Today we are going to take the numerical illustrations based on theory of income and employment determination. So we are going to start with the type 1 numerical. Find the multiplier if 75% of increased income is consumed. Now what to do in this case? We know that K is equal to 1 upon 1 minus MPC. So here MPC is 0.75. 1 over 1 minus 0.75. 1 upon 0.25 is equal to 100 upon 25, 4. So multiplier is equal to 4 answer. So this is the first type. You see here, K is a multiplier, 1 upon 1 minus MPC. यहाँ बता रखा है 75% ऑफ इंक्रीज इनकम किस पे यूज़ हुई, कंजम्पशन पे. MPC कितनी है, 0.75. ये हो गया 0.75, सॉल्व किया. 1 ओवर 1 माइनस 0.75, 1 अपॉन 0.25, ये आ गया 4. तो K की वैल्यू आ गई 4. ये तो बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है. सेकंड और भी इसी तरह का है. इफ़ के इज इक्वल टू, फाइंड द के इफ 50% ऑफ द एडिशनल इनकम इज सेव्ड. MPS कितनी है, 0.5. तो इसका मतलब K क्या होता है, K इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS, 1 अपॉन 0.5, 10/5. K की वैल्यू 2 इज द आंसर. ये देखो, ये सेकंड टाइम. K इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS, MPS है 0.5, 1 अपॉन 0.5, 10/5. K की वैल्यू आ जाएगी 2. अगला उसमें बोला है, फाइंड द चेंज इन इनकम If K is 4, पहले फॉर्मूला हमेशा लिखेंगे. K is equal to change in income upon change in investment. वो कहता है हमें change in income find करनी है, K 4 है. हमें change in income find करनी है, investment 15 करोड़. तो ये हो गया आपके पास, change in income is equal to 15 into 4, 60 करोड़. ये देखो, K इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट. तो हमें यहाँ पर K की वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी 4, यू सी हेयर, पहले से दी हुई है. इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है. इनकम क्या होगी, दिस इंटू दिस, ये आ गया 60 करोड़. अब यहाँ भी वैसा ही है सेम. इसमें भी पहले हम इसकी वैल्यू लिखेंगे. फॉर्मूला लिखो, K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. वो कहता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमें फाइंड करनी है. अगर मल्टीप्लायर 2 है, इनकम 8 है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा आई इक्वल टू 8. चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, 4. ये देखो, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं. फाइंड द चेंज इन इन्वेस्टमेंट इफ द मल्टीप्लायर इज 2 एंड इंक्रीज इन इनकम इज 8 करोड़. तो ये देखो, K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. K की वैल्यू आपको पहले से गिवन है, 2 दे रखा है, मल्टीप्लायर 2 है. और इनकम कितनी इंक्रीज हुई, 8. और यहाँ चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, 2 इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 8. चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज 8 अपॉन 2, 4. अब हम इसके बाद, ये हमारे एक जैसे टाइप थे, अब टाइप 2 न्यूमेरिकल शुरू करते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टाइप 2 न्यूमेरिकल्स. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एग्जांटे डिमांड When the autonomous investment and consumption expenditure, देखो यहाँ पे बोल रहा है autonomous investment and consumption expenditure, इसको ये capital A से denote कर रहे हैं, is 50 करोड़, MPS is 0.2, level of income is 300 करोड़. तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए aggregate demand का formula क्या है. यहाँ हम इसका answer शुरू कर रहे हैं. Aggregate demand is equal to C plus I. C आपको पता है autonomous consumption plus MPC इंटू इनकम है, और आय जो है आपका वो इन्वेस्टमेंट है. पर यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ पर जो है कैपिटल ए जो है वो डिनोट कर रहा है सी बार प्लस आय बार, यानी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये दोनों की वैल्यू 50 करोड़ है. यानी इस फॉर्मूले में, एग्रीगेट डिमांड में फॉर्मूला तो हमारा क्या बना था, अगर मैं इसको फॉर्मूले को एलेबरेट करूं, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई.
ये देखो ये फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पर जो ये सी बार है और ये आई है, ये पहले से इसकी वैल्यू दी हुई है 50 करोड़। अब हमें क्या करना है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू ए प्लस, ए तो वही हो गया, ये दोनों चीज़ें आ गई इसमें, ए प्लस बी वाई। तो ए हमें दिया हुआ है 50 करोड़ प्लस बी हमारी एमपीसी है, तो एमपीसी कितनी होगी, जब एमपीएस 0.2 है तो एमपीसी कितनी होगी 0.8, और इनकम हमें दी हुई है 300 करोड़। तो 300 करोड़ 0.8, 8/10, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 8/10, ये पॉइंट हट गया, जीरो से जीरो कट गया, तो 50 प्लस 240, 290 करोड़ इज द आंसर। ये हो गया हमारा, फिर सुन लो कैसे किया, फिर से बता रहा हूँ, एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई होता है, यहाँ पर सी जो है सी बार प्लस बी वाई के बराबर होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी इनटू इनकम, आई होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर जो ये सी बार है और ये आई है, इसकी वैल्यू देखो पहले न्यूमेरिकल में दी हुई है, ध्यान दो, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन इज 50 करोड़, यानी ये दोनों एक कैपिटल से डिनोट किया हमने इसको, ये, और एमपीएस अगर एमपीसी 0.2 है, हमें पता है 1 माइनस एमपीएस इक्वल टू एमपीसी, सो 1 माइनस 0.2 इक्वल टू 0.8, तो एमपीसी भी निकल गई। अब हमारे पास वैल्यू पुट करनी है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू ए हमें दे रखा था 50, एमपीसी हमने निकाल ली 0.8, इनकम हमें दे रखी है 300, ये दे रखा है देखो 300 करोड़, वैल्यू पुट कर दी हमने और ये हमारा आंसर आ गया 290 करोड़। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप, देखो हमारे पास है क्या है नेक्स्ट टाइप, स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं मैं, सेविंग फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन एज एस इज इक्वल टू -50 + 10y। हमें पता है इफ एग्जांटे इन्वेस्टमेंट इतनी है तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फाइंड करना है, ये पहला काम है, हमें पता है एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो हमें यहाँ पर सेविंग दी हुई है पॉइंट, सेविंग हमें दी हुई है -50 + 0.10y, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट हमें दी हुई है इज इक्वल टू 450 करोड़। तो इसको अभी हम कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गया इक्विलिब्रियम ऑफ लेवल ऑफ इनकम पर, ये दोनों बराबर होते हैं, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आएगी 0.10y इज इक्वल टू 450, 50 यहां चला गया यानी 500 हो गया, 0.10y, अब इसको 0.10 को मैंने कर दिया 10/100y इक्वल टू 500, अब इसको इधर ले गए तो ये आ गया 50,000 करोड़/10y इज इक्वल टू 5,000। ये देखो ये हमारा इनकम आ गई, इनकम आ गई 5,000। अब हमें क्या कहता है वो, अगला कहता है, ये ए पार्ट क्लियर हो गया, अगला वो कह रहा है एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू गेन अ एडिशनल इनकम ऑफ 3,000। अब हमें पता है के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर वो क्या कहता है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू गेन अ इनकम लेवल ऑफ 3,000 करोड़। तो पहले तो हमें के की वैल्यू पता होनी चाहिए, के इज इक्वल टू 1/(1 - MPC) या 1/MPS भी कह देते हैं, दूसरा है 1/MPS, तो हमें MPS दिया हुआ है 0.10, 0.10 का मतलब है 100/10, 10 आ गई के की वैल्यू, तो के की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, यहाँ लिख दिया 4। अब कहता है चेंज इन इनकम लेवल है 3,000, अभी हमने इसका टाइप किया था, अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, सॉरी के की वैल्यू आ गई 10, not 4, 10। अब क्या करेंगे, और 10 × change in investment = 3,000, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 3,000/10, 300 करोड़, ये हमारे पास आ गई एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू गेन द एडिशनल इनकम। फिर से सुन लो,
सेविंग फंक्शन हमें दिया हुआ है एस इज इक्वल टू माइनस 50 प्लस 0.10 y. अगर एग्जांटे इन्वेस्टमेंट इतनी है तो हमें इक्विलिब्रियम लेवल हमें पता है, एट द इक्विलिब्रियम लेवल सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. तो हमने क्या किया, इसको पहले हमने इक्वल किया तो वो हमारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आएगी. माइनस 50 प्लस ये हमारे पास दिया हुआ था 0.10 y इक्वल टू 450. ये 50 यहाँ चला गया, 500 आ गया. इधर 0.10 y सिंप्लीफाई किया, 5000 आ गया. ये तो पहला पार्ट है. ये ए पार्ट है जो हमें पूछा गया, देखो ये वाला. बी पार्ट में पूछा गया है कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए विच विल बी नीडिड, ठीक है, टू गेन द एडिशनल इनकम ऑफ 3000. तो सबसे पहले तो हमें मल्टीप्लायर पता होना चाहिए क्योंकि के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट. ये तो हमें दे रखा है एडिशनल इनकम 3000. ये फाइंड करना है. और के कैसे फाइंड करेंगे, एमपीएस दे रखी है. ये देखो, ये सेविंग फंक्शन में 0.10 क्या है, एमपीएस. आपने पढ़ा है सेविंग इक्वेशन, सेविंग फंक्शन की इक्वेशन. तो 1/MPS के, तो ये हमने सॉल्व किया, के की वैल्यू 10 आ गई. 10 इंटू दिस इक्वल टू 3000, सिंप्लीफाई किया 300 करोड़. तो इसके साथ ही हमने तीन तरह के न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं. अब एक टाइप और कर लेते हैं. हमें स्टेटमेंट दी हुई है, इन एन इकोनॉमी सी इज इक्वल टू 200 प्लस 0.5 y. इट इज़ द कंजम्पशन फंक्शन वेयर सी इज़ द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, y इज़ द नेशनल इनकम. इन्वेस्टमेंट हमें इतनी दी हुई है 400 करोड़. क्या इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी 1500 करोड़ पर, जस्टिफाई करो. तो पहले हमें पता है इक्विलिब्रियम इज y इज इक्वल टू c प्लस i. तो हमें इनकम इक्वल टू सी की जगह दिया हुआ है सी बार प्लस, ये आ गया हमारा 0.5 y. ये सी बार 200 प्लस 0.5 y प्लस इन्वेस्टमेंट हमें दी हुई है 400. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. y का मतलब 1 y, 0.5 इधर आ गया, 0.5 y इज इक्वल टू 600. अब इसका मतलब हुआ 5/10 y इक्वल टू 600. ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 6000 अपॉन 5. तो इनकम आ गई 1200 करोड़. अब कहता है क्या इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम इनकम 1500 करोड़ होगी. तो आपको पता है 1200 करोड़ इज़ नॉट इक्वल टू 1500 करोड़. तो हम आंसर में कहेंगे नो, इट विल नॉट बी इन द इक्विलिब्रियम. इसी तरह के आपको टाइप्स मिलेंगे न्यूमेरिकल के. मैंने इसलिए ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बना दिया कि आपको न्यूमेरिकल्स की भी प्रॉब्लम ना रहे. प्रैक्टिस आप किसी भी बुक से कर सकते हो, आपके लिए सभी बुक्स अच्छी हैं. आप पिछले अपने जो है CBSE के पेपर से भी कर सकते हो, बट सबसे बेटर यही रहेगा कि जो आपको मैंने बताया इसी तरह के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, और रिटर्न जितना करोगे उतना इफेक्टिव रहेगा आपके लिए. तो गॉड ब्लेस यू ऑल. और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा सभी से कि प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम. वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मिड टर्म एग्ज़ाम.